हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सवी डॉट बी। सुबह के 10 बज रहे हैं और हम छत पे बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। आज है संत रविदास जी की जयंती, जो कि हमारे गुरु हैं, तो आज हम ये दिन सेलिब्रेट करेंगे और जहाँ चलेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम आश्रम जाने वाले हैं। हालांकि पिछले साल तो रीसू जी थे, पर इस बार है नहीं, सॉरी रीसू। प्रचार बनाने की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं, तो मूली का अचार बनेगा, तो मूली कट चुकी है और लहसुन जो है लहसुनाहट बनने वाला है। लहसुन की चटनी भी जिसको बोलते हैं वो बनने वाली है, जो साल भर चलती है। आज हम बालों में मेहंदी लगाने वाले हैं, कौन चीज़ तो हरे लहसुन का बनने वाला है लहसुनाहार। मम्मी ने अभी अभी मुझे बताया कि उसे लहसुनाहार बोलते हैं। कूटेंगे ना मम्मी, एक दिन धूप देखा कि कूट दिन जाए ना, तो शाम को उसको कूटेंगे। तू सुन लो ना, करते आवाज़ रोटी फेंक एक पाव ला रहा हूँ 25 रुपया पाव में। लग गई है और अब इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और जो थोड़ा बहुत काम है वो अपना ख़त्म कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह ही बताया कि आज है गुरु जी का यानी कि संत रविदास जी का जन्मदिन, तो उनके जन्मदिन की खुशी में आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, जिसकी तैयारी हमने कर ली है। अच्छा, ये नई कढ़ाई मम्मी लेकर आई हैं लोहे की। एक कढ़ाई तो पहले से थी, पर एक और लेकर आई हैं, तो ये जब से आई है तब से रखी हुई है, लेकिन इसको आज मैंने खूब मतलब इतना ज़्यादा मैंने साफ़ किया, फिर भी इसका ये जो ये बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि आज इसमें गाजर का हलवा बना के देखते हैं। मुझे लग रहा है कि हलवे का कलर तो जाएगा ही जाएगा, वो रेड नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है ब्राउन हो जाए, पर कोई नहीं। लेकिन आज इस नई कढ़ाई में गाजर का हलवा बन के रहेगा। बनने के लिए सबसे पहले इसमें घी जाएगा, तो गाजर को हम अच्छे से हमारे घी में पहले अच्छे से भून लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। बना रहे हैं कुछ अलग नहीं है। हाँ, ये है कि आजकल बहुत ट्रेंड में है कि गाजर को रख दीजिए, पानी में उबाल लीजिए और फिर मैश करके बना लीजिए, तो वो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, पर वो टेस्ट नहीं आता है जो घी में ऐसे भूनने में खुली कढ़ाई में बनाते हैं। तो आज मुझे सोंधा हलवा खाने का काफ़ी मन था, तो मैंने सोचा कि चलो इतना अच्छा मौका भी है, जन्मदिन है गुरु जी का, तो आज चलिए हलवाई बना लेते हैं। चल, लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं, तो देखिए कलर तो अभी से चेंज हो गया, ज़्यादा भाप की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, पर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कलर चेंज हो गया है, रेड थी बिल्कुल और इसने अब कलर बिल्कुल चेंज कर लिया है। देखते हैं ये किस कलर में बनता है ये हलवा। तो मम्मी आज पेड़ में डाल रही हैं खाद और उसके बाद भर रही हैं पानी, तो दिखाते हैं आपको। ये रही सारी खाद और अब ये पानी से भर रही हैं, ये रही खाद। मम्मी कितना खाद दिया टाई, तो ये है गोबर वाली खाद, ये देखिए, जिसकी वजह से जो हमारे फूल हैं वो इतने अच्छे लगते हैं और मैं चुरा लेती हूँ और उनको बाले में भी लगा लेती हूँ। तो सभी पेड़ों में लगभग खाद डल चुकी है। मम्मी उम्मीद डाले बाटू, तो ये रहा गुलाब का पेड़ का गमला और इसमें एक गुलाब भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अभी हमने हलवे को अच्छे से घी में भूनने के बाद इसमें दूध डाल दिया है और देखिए कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, लग ही नहीं रहा कि ये मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ हम। तो अच्छा, ये चीज़ तो ये पता ही होगी आपको कि मीठे का मतलब मीठा होता है, तो मैं यहाँ पे भर भर के चीनी डाल रही हूँ। हालाँकि गाजर की इतनी मिठास होती है और दूध भी इतना गाढ़ा है कि वो भी थोड़ा मीठा लगता है, तो इसलिए मैंने चीनी डाल दी है अब। और अब इसमें डालने की बारी है इलायची पाउडर, तो ये भी हम साथ में डाल देते हैं और अब हम इसको चलाएंगे। अब हमारा हलवा बनके हो गया है तैयार और देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही ये खाने में भी टेस्टी लगेगा, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। और अभी देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म है, भाप निकल रही है इसमें से, तो इसको भी खाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो मैं खाऊंगी तो थोड़ा ठंडा होने पे, पर
मेरे मुंह में सच बताऊं तो पानी आ रहा है, तो मैं एक चम्मच खा के देखती हूँ कि ये कैसा बना है। अभी मैंने साइड में रख दी है क्योंकि पूरा जूठा नहीं करते हैं, और एक चम्मच निकाला है अपने लिए आपको दिखाने के लिए। एक्चुअली मेरा खुद का ही मन है खाने के लिए, तो ये भी बोल सकते हैं कि आपको दिखाने के लिए है। तो ये फर्स्ट बाइट आप लोग के लिए है, एक चम्मच आप लोगों के लिए है, और ये दूसरा वाला मेरे लिए है। तो ये चम्मच थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था सच बोलूं। चावल तो हमारे बन गए हैं, पर साथ में चटनी खाने का मन है, तो हम सिलबट्टे पे चटनी पीसने वाले हैं, टमाटर और धनिया की चटनी। तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट काम मैंने ख़त्म कर लिया है, चटनी पीस दी है, मम्मी अभी नहा रही हैं, तो नहा के आएंगे फिर हम खाना खाएंगे, और ये ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट जब हम लोग शाम को जाएंगे आश्रम, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। के लिए बाय बाय।